यस यू वांट टू सिट देयर ब्रदर कौन सा लैंग्वेज में बात करेंगे आप हिंदी हिंदी में अच्छा आपके बारे में तारुफ हिंदी में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू सलाम मेरा नाम पहले मोहन राज नायडू था 10 साल पहले उसके बाद फिर अभी मेरा नाम मोहम्मद नायडू है पहले तो मैं कुछ अपना जो एक्सपीरियंस है उस जो शेयर करना चाहता हूँ मैं आपसे कि इस्लाम कबूल करने से पहले हमारे दिमागों में क्या चीज़ डाला जाता था मुसलमानों के बारे में जैसे कि जब हम छोटे थे बचपन से फैमिली के थ्रू से ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी कोई मुसलमान अगर घर पे आता है अगर कोई फ्रेंड सर्कल ही कोई ना हो आजू बाजू वाले या कोई भी हो अगर वो जाने के बाद तो वहाँ पर हल्दी का पानी डाला जाता है क्योंकि मुसलमान लोग सही नहीं होते गंदे होते हैं मतलब नापाक होते हैं ऐसा दिमाग में डाला जाता है और पानी भी इनको मतलब जब ग्लास में दिया जाता है तो ग्लास सही तरीके से धोए या फिर यूज़ ज़्यादा ना करें अलग से रख दिया जाए तो ये दिमाग में काफ़ी आता था कि ऐसा क्यों मतलब मुसलमान क्यों ऐसा अलग मुसलमान के बारे में क्यों ऐसा अलग किया जाता है नफ़रत फैला जाता है तो उसके बाद फिर जनरली इस्लाम के बारे में तो जनरली कुछ आइडियाज था ही नहीं जनरली लोग जो फ्रेंड सर्कल जो मुसलमान जो होते हैं वो कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं शिकायत है मुझे मुसलमानों से कि 23 साल तक जब हम हिंदू थे काफ़ी सारा मुसलमान लोग फ्रेंड सर्कल थे लेकिन कभी इस्लाम के बारे में बताया नहीं अगर मैं सोचता हूँ अभी अगर 23 साल पहले अगर मेरी मौत होती तो मैं कहाँ होता अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभार सोचता कि मैं जो इस्लाम कबूल किया मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे इस्लाम कबूल किया क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही दिल में क्योंकि इतना नफरत दिल में फैला गया था कि इस्लाम के बारे में मीडिया के थ्रू से उस वक्त तो अलकायदा काफ़ी चल रहा था बॉम ब्लास्ट ये मुसलमान ये वो है तो उस वक्त इस्लाम कबूल करना तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था और उस वक्त में जब मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स सर्कल कुछ साथी थे तो इस्लाम के बारे में काफ़ी वो लोग डिबेट चलती थी कि आप लोग मैं हिंदुज़म था तो मेरे फ्रेंड सर्कल तो हिंदू थे कुछ मुसलमान फ्रेंड सर्कल भी थे तो वहाँ पर लोग बोलते थे अल्लाह को तो आप दिखता नहीं है अल्लाह नहीं है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग रॉन्ग बोलते थे तो मैं भी हाँ वहाँ पर हाँ ही बोलता था कि हाँ हमारा ईश्वर तो दिखता है सब कुछ है आप तो आपका ईश्वर तो कोई दिखता नहीं है तो कुछ दिनों बाद मैं डॉक्टर जाकिर नायक के जो वीडियोज़ यूट्यूब में आता था आधा घंटे के लिए उस वक्त 10 साल पहले तो मैं जनरली जब चैनल सर्च कर रहा था तो QTA का प्रोग्राम चल रहा था सिमिलैरिटी बिटवीन हिंदूज एंड इस्लाम और वहाँ पर काफ़ी सारे हिंदूज जो भाई लोग हैं वो जाकिर भाई के बारे में सवाल कर रहे थे और डॉक्टर जाकिर नायक उनके आंसर दे रहे थे तो काफ़ी लॉजिकल आंसर मुझे लगे थे फिर डेली डे बाय डे फिर मैं हिंदुज़म और इस्लाम फिर क्रिश्चियनिटी इस्लाम फिर साइंस एंड इस्लाम के बारे में जब सर्च किया मैंने तो मेरे काफ़ी सारा जो जहन है वो ओपन हो गया अलहमदिल्ला तो वहाँ पर जाकिर भाई ओपनली लाखों लोगों के सामने कहते हैं कि हिंदुज़म में ईश्वर के बारे में है अगर हिंदू और मुस्लिम को अगर जुड़ना है अगर एक प्लेटफॉर्म में आना है तो एक ही चीज़ है जो एक ईश्वर को मानना तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि पहले से मैं मानता था कि ईश्वर एक ही है लेकिन ये सब जो भी हिंदू लोग जो पूछते हैं वो उनके अवतार हैं क्योंकि वही दिमाग में डाला जाता है कि ये सब जो सालों साल जो ईश्वर नए नए ईश्वर आती हैं 33 करोड़ भगवान हैं वो एक ईश्वर का अवतार है लेकिन जब जो वेदास में जो डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो बोलते थे उस टाइम जो उन्होंने काफ़ी सारा डिबेट भी की शशि रविशंकर से शंकराचार्य से फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में जो डॉक्टर विलियम कैम्बेल से फिर पास्टर से उन्होंने डिबेट किए तो वहाँ पर भी उन्होंने उनकी किताबों से उन्होंने रेफरेंस दिए कि आपकी किताबों में है कि एकम एव द्वितीय मतलब एक ही ईश्वर है दूसरा कोई नहीं है तो मुझे सवाल में ये आया कि जाकिर नायक इतने ओपनली बोल रहे हैं क्यों ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर हिंदू जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं सामने आके बोले कि वो रॉन्ग बोल रहे हैं तो फिर उन्होंने एक और फरमाया कि हिंदुज़म में है अंधात्म प्रवशंति असंभूति मुपास्ते मतलब जो लोग नेचुरल थिंग से पूजा करते हैं जैसे कि सूरज चांद आग पानी वो लोग अंधकार में जा रहे हैं और जो लोग बनाई गई चीज़ हो जो मूर्ति है पत्थर है टेबल है कोई भी चीज़ हो तो लोग अंधकार में जा रहे हैं तो मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में ऐसा लगा कि अगर हिंदुज़म ऐसा कह रहा है तो फिर हिंदू लोग क्या फॉलो कर रहे हैं और मुसलमान में भी जो जो कुरान में है जो चीज़ बताई गई कि एक अल्लाह को मानना है जो पूजा उन्हें अल्लाह की करनी है मुसलमानों में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो इस्लाम के अलग ही फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो रिलीजियस किताबें हैं लोग फॉलो करना छोड़ दिए हैं सिर्फ जो माँ बाप जो बोलते हैं वही फॉलो करते हैं और जनरली वही होता जा रहा है आजकल वेरी ट्रू वी एग्री टू व्हाट यू सेड तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम रिलीजियस जो किताबें हैं उसी को हम पढ़ाई करके इस्लाम को फिर मैंने दिमाग में आया फिर मैंने डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर सुन के ही मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया हूँ
सिर्फ मैंने मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मुसलमान भाई यहाँ पर हैं, आपसे गुजारिश है कि अपने अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, प्लीज़ उन तक आप सही इस्लाम को आप खुद भी फॉलो कीजिए और वहाँ तक पहुँचाइए प्लीज़। क्योंकि आज मुसलमानों को जो पिक्चर जो दिया जा रहा है मीडिया में, टेररिस्ट है वो सही फॉलो नहीं करते हैं, काफ़ी सारा जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है आज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप प्लीज़ अपने अपने सर्कल में जो भी ब्रदर है नॉन मुस्लिम, उनको तक पहुँचाइए इस्लाम का पैगाम प्लीज़। जज़ाकअल्लाह खैर। यस सिस्टर।